हेलो गाइस, फिर मैं आ चुकी हूँ अपनी एक न्यू रेसिपी के साथ। तो ये मैं बनाने वाली हूँ आज मट्ठे के आलू। तो ये आधा लीटर मट्ठा है, ये तड़के के लिए कड़ी पत्ता है, ये हींग है, ये जीरा है, राई है, ये आधा प्याज है, तीन हरी मिर्च है और ये चार मीडियम साइज़ के आलू हैं। तो चलिए हम करते हैं तड़के की तैयारी। तो हमने अपनी कढ़ाई में तेल पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था लो फ्लेम पे। तो अभी हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो हम इसमें ये डाल देंगे जीरा, राई और हींग। ये डाल दिया है मैंने। और इसके बाद हम डाल देंगे इसमें ये कड़ी लीव, ये देखिए। अभी डाल देंगे इसमें हम ये प्याज और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे 2 मिनट तक इस तरीके से। और अभी डाल देंगे हम इसमें ये हरी मिर्च, आप लोगों को किस किस को पसंद है ये मट्ठे के आलू प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो मेरी रेसिपी को आप शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अभी हम इसमें डाल देंगे ये 1 छोटा चम्मच हल्दी। ये झटपट से बनने वाली रेसिपी है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अभी इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च, ये हमने 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। और अभी हम डाल देंगे ये मट्ठा इस तरीके से, ये देखिए ये हमने डाल दिया है मट्ठा इसमें। अभी इसमें डालेंगे हम स्वाद के अनुसार नमक। सो ये देखिए अभी हम डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं नमक कितना चाहिए आपको। डाल दिया हमने नमक, अभी थोड़ा देर इसको हम पकने देंगे 2 से 3 मिनट। उसके बाद डालेंगे हम इसमें अपने आलू और आलूओं को 2-3 मिनट बॉईल करेंगे इसके साथ में ही। और उसके बाद में इसमें हम डालेंगे धनिया पत्ता और हमारा ये मट्ठे का आलू रेडी। आप इसको चावल के साथ खा सकते हैं, रोटियों के साथ खा सकते हैं। देखिए हमारा ये मट्ठा हल्का सा बॉईल होने लगा है, तो अब इसमें डाल देंगे हम ये आलू इस तरीके से। ये हमने अपने आलू डाल दिए हैं, अभी इसको थोड़ा देर हम इसे पकाएंगे। ये देखिए तो ये देखिए हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अभी इसमें हम डाल देंगे ये धनिया पत्ती इस तरीके से। तो आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।